आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर शारिक अहमद खान। आज छोटी दिवाली है, सन 2020 है। ये दिवाली कोरोना के बीच इस बार आई है। दिवाली में मिट्टी के बर्तनों का बड़ा महत्व है। हमारे बचपन में, हम सबके बचपन में, आपके बचपन में, हमारे बचपन में मिट्टी के खिलौने बहुत आया करते थे। अब आज के दौर में आधुनिक खिलौनों ने मिट्टी के खिलौनों का स्थान ले लिया है। ये अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये घंटी है, मिट्टी की घंटी। ये छोटी घंटी है, ये बड़ी घंटी है। इसमें ये घंटा लगा हुआ है और इसको धागे की मदद से बांधा जाता है। जब बन जाती है तो ये खूबसूरत, अच्छी, अरे कर्णप्रिय आवाज इसकी आती है। ये छोटी घंटी की आवाज। ये बड़ी घंटी की आवाज। इस तरह की घंटियां बचपन में एक बूढ़ी महिला लेके आया करती थी बेचने के लिए दिवाली के मौके पर, और वो बेचा करती थी, हम बच्चे खरीदते थे। तब मिट्टी के खिलौनों का बड़ा क्रेज हुआ करता था। इसी तरह से हम दिखाना चाहेंगे, ये चक्की है मिट्टी की, चूल्हा, चक्की, चौका, बेलन, ये सब गृहस्थी की चीजें हुआ करती थी और आज भी होती हैं। चक्की तो खैर अब इस तरह की नहीं होती है, घरों में नहीं पाई जाती है आमतौर पर, शहरी घरों में, लेकिन चौका बेलन तो होता है हर जगह। बिना चौका बेलन के रोटी बन ही नहीं पाएगी। जब रोटी नहीं पेट में जाएगी तो फिर इंसान फिर कुछ कर नहीं सकता। और ये चूल्हा है, इसके ऊपर ये बर्तन चढ़े हुए हैं, इसमें खाना बनता है। अब इस तरह के चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे गांवों में भी कम दिखाई पड़ते हैं, शहरों में तो खैर गायब ही हो गए। अब शौकिया हमारे पास, हम बनाते हैं तो इसमें लकड़ी पे खाना बना करता था। इस तरह के खिलौने भी गांव में बेचने आया करती थी, शहरों में बेचने आया करती थी। ये चम्मच मिट्टी का, इसको ऐसे चलाया जाता है, ऊपर कुछ भी बनता है, एक तरफ चाहे आप सब्जी बना रहे हैं, एक तरफ दाल बना रहे हैं, या फिर बकरा ही बना लिया आपने, दूसरी तरफ मुर्गा चढ़ा लिया। तो इसमें छोटा वाला है तो देसी मुर्गा, और ये बकरे के लिए हो जाएगा, तो इसमें स्टू, अच्छा स्टू बन जाता था। दिवाली में तो खैर नॉनवेज नहीं बनता है, और वेज ही बनता है। तो वो ये एक खूबसूरत आर्ट, कला का नमूना हुआ करता था। अब इस तरह के बर्तन कम देखने को मिलते हैं, इसकी जगह कुछ पीओपी वगैरह ने ली है, लेकिन वो खूबसूरती और वो सादगी जो इन खिलौनों में थी वो नहीं पाई जाती है, वो देखने को नहीं मिलती है। और इसी तरह से ये पानी रखने के लिए ये बर्तन है, इसमें पानी रखा जाता था। आप चाहे इसको कोठार भी कह सकते हैं, इसमें अन्न भी रखा जाता था। अन्न रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कोठार हुआ करते थे, उसमें मिट्टी के ही बने रहते थे। हमारे गांव में आज भी पुराने मकान में वो कोठार सब उसी तरह से संरक्षित करके हम लोगों ने रखे हैं, और वो मिट्टी के हैं, कुछ पक्की मिट्टी के हैं, उसमें से कुछ जो है वो कच्ची मिट्टी के हैं, उसमें अनाज रखा जाता था। और ये कड़ाही है, देखने में दिया लग रहा है लेकिन ये दिया नहीं है, ये कड़ाही है। कढ़ाई और कड़ाही में बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग कढ़ाई कढ़ाई कहने लगते हैं, तो कढ़ाई तो वो होती है जो कशीदाकारी होती है, ये कड़ाही है। कड़ाही इसमें सब्जी वगैरह बनती है, और इसमें मुर्गा वगैरह बनाना चाहे तो बहुत अच्छा बनता, मुर्गा ग्रीन चिक, हरे मसालों वाला भी और लाल वाला भी। कढ़ाई बनाना चाहिए, ऊपर वैसे बनाएंगे तो गल जाता। ये बड़ी बड़ी परातें हैं, ये पराते हैं, परातों में तरह तरह के भोजन व्यंजन परोसे जाते थे, इसलिए ये पराते हैं। तो ये मिट्टी के खिलौने जो हैं वो एक आर्ट का नमूना थे, कला का नमूना थे, अब देखने को कम मिलते हैं। और घंटी के सुर तो जो है सुनाई नहीं पड़ते, कहाँ सुनाई पड़ता है मिट्टी की घंटी का सुर? अगर सुनाई पड़ता है तो फिर वही जो ट्रेडिशनल घंटियां हैं, तांबे की है, पीतल की है, सोने की घंटी है, चांदी घंटी है, लोहे की घंटी है, उसका जो है सो सुनाई पड़ता है। ये जो
घंटी की इसका तो कम ही सुनाई पड़ता है। तो दिवाली आप सबकी मंगल में हो, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, एडवांस में शुभकामनाएं और मंगलमय हो। इस बार दिवाली थोड़ा सा कोरोना की वजह से बच बचा के मनानी भी है। पुनः मुबारकबाद, पुनः बधाई आप सबको मेरी तरफ से। दिवाली मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए। अब अजान होने लगी, अब पुनः एक बार बधाई, शुक्रिया।